हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मेरा नाम सुमित कुमार है और आप देख रहे हैं ऑल इन वन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं कि मैंने इस चैनल का नाम पहले मोर आइडियाज़ रखा था, लेकिन अब मैंने इस चैनल का नाम चेंज करके ऑल इन वन एजुकेशन रख दिया है, क्योंकि अब आने वाले वीडियो में मैं कुछ स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने जैसे कि इसकी हेडलाइन पढ़ ली होगी कि मैं आज की इस वीडियो में आपको TWRP रिकवरी से परफेक्टली रोम फ्लैश करना सिखाऊंगा। और अगर आपका एसस ज़ेनफोन 2 लेज़र है तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको अगर अपने फ़ोन को नॉगट में अपडेट करना है तो कैसे परफेक्टली रोम फ्लैश करते हैं। वैसे तो ये आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन की डिवाइस की कैपेबिलिटी के हिसाब से रोम डाउनलोड करना है। तो मेरा एसस ज़ेनफोन 2 लेज़र है, तो मैं रेजरेक्शन रिमिक्स नॉगट का रोम डाउनलोड कर लेता हूँ। नॉगट का रोम डाउनलोड करने के बाद गाइस, हमें गैप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सिंपली गूगल में ओपन गैप्स सर्च करिए या गैप सर्च करिए और वहाँ से अपना गैप्स डाउनलोड कर लिए। गैप्स का मतलब गूगल ऐप्स है जो आपके फ़ोन में हम फ्लैश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके डिवाइस का प्लेटफॉर्म क्या है, मेरे डिवाइस का तो ARM64 है और मैंने जो रेजरेक्शन रिमिक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है उसका 7.1 वर्जन है। और आपकी आपको कैसा रोम चाहिए अपने स्टोरेज के हिसाब से, पिको, नैनो, मिनी, तो आपको सिंपली लाल बटन में दबा के अपने गैप्स को डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखे हैं ये दोनों। तो अगर आपका एसस ज़ेनफोन 2 लेज़र है तो आप ऐसे ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं परफेक्टली रोम फ्लैश करना। तो फ्रेंड्स, आपको परफेक्टली रोम फ्लैश करने के लिए आपके फ़ोन की बैटरी कम से कम 50% से ऊपर होनी चाहिए, जब ही आप अपने फ़ोन में रोम फ्लैश कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। क्योंकि अगर हमारा बैटरी कम होता तो हमारा फ़ोन बीच में स्विच ऑफ हो गया, डेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको अपने फ़ोन को रिकवरी के लिए रीस्टार्ट करना है, तो आप सिंपली अपने फ़ोन को रिकवरी में रीस्टार्ट कर दें। अगर आपका एसस ज़ेनफोन 2 लेज़र है तो आप अपने जो वॉल्यूम की है उसका डाउन बटन और पावर बटन एक साथ दबा के रखें, जिससे आप अपने फ़ोन की रिकवरी मोड में जाएंगे, अगर आपने TWRP डाल रखा है तो। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपने फ़ोन की TWRP रिकवरी में जाना है। TWRP रिकवरी में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, तो आपको ये नेवर शो में जो है उसमें टिक करके स्वाइप कर देना है, जिससे वो कभी शो ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी रोम फ्लैश करना हो तो आप जो अभी स्टॉक रोम में है या किसी भी रोम में है तो आप उसका पहले बैकअप ले लीजिएगा, क्योंकि अगर हम फोन रोम का बैकअप नहीं लेते हैं तो हमारा जैसे कि फ़ोन ब्रिक हो गया तो हम उसे रिस्टोर वापस नहीं कर पाते। तो बैकअप कर लीजिएगा। बैकअप करने के बाद हमें फ़ोन को रीसेट करना होता है, जिससे फ़ोन में जो बग या कैचेस है वो हट जाए। तो वाइप में आप सिंपली जाइए, फिर एडवांस वाइप में जाइए, आप सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, खाली माइक्रो SD को छोड़ के। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज भी क्लियर नहीं करना है तो आप उसको टिक ना करिए, अगर आपको इंटरनल स्टोरेज क्लियर करना है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो माइक्रो SD और USB OTG को छोड़ के आपको सबको टिक करके स्वाइप टू वाइप करना है। स्वाइप टू वाइप करने के बाद ये हमारा वाइप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ इस प्रोसेस से होता क्या है। इस प्रोसेस से ये होता है कि हमारे फ़ोन की जो रिकवरी या इंटरनल में जो बग्स है, कैचेज है या जंक फाइल है, ये उसे क्लियर कर देता है, जिससे हम फ़ोन में ढंग से रोम फ्लैश कर सकें। फिर आप जब उसको वाइप कर देंगे, वाइप करने के बाद आपको दोबारा स्वाइप टू वाइप कर देना है, जिससे फ़ोन रीसेट हो जाए। वैसे तो फ़ोन हमारा रीसेट हो चुका है, तो आपको दोबारा वाइप में जाना है, दोबारा वाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट डाटा दिख रहा होगा, आप यहाँ पे फॉर्मेट डाटा करके यस कर दीजिए, यस लिख दीजिए वहाँ पे और टिक का बटन दबा दीजिए। तो देखिए, फॉर्मेट डाटा से होता क्या है कि ये वही है जो हमारे फ़ोन के कैचेस, बग्स, जंक फाइल जो हम रोम फ्लैश करते समय हम यूज़ करते हैं, वो उसको क्लियर कर देगा, मतलब क्लियर कर देगा, जिससे हम परफेक्टली क्लीन तरीके से रोम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रोम को हम क्लीन तरीके से TWRP के ज़रिए अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको फॉर्मेट डाटा करने के बाद सिंपली आपको रोम इंस्टॉल करना है। मैं आपको बता देता हूँ रोम कैसे इंस्टॉल करना है, बस इसको होने दीजिए फ्लैश, मतलब इसको फॉर्मेट होने दीजिए। देख सकते हैं हमारा रोम, हमारा क्या कहते हैं, फॉर्मेट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल के बटन में जाना है और आपने जहाँ पे
नॉगट का जो रोम है आपने जहाँ पे उसे रखा है आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है। मैंने माइक्रो एसडी में रखा है तो मैं माइक्रो एसडी में जाऊँगा और मैंने एक फोल्डर बना रखा है नॉगट 7.1.1 सॉफ्टवेयर का, तो आप उसमें मैं उसमें जाऊँगा और उसमें जाने के बाद मैं सिंपली रोम फ्लैश करूँगा। आप चाहे तो एक बार मैं दोनों रोम फ्लैश कर सकते हैं यहाँ पर एड मोर जिप में जाके। तो मैं अभी सिंपली रेजरेक्शन रिमिक्स रूम को फ्लैश करूँगा, उसके बाद मैं ओपन गैप्स को फ्लैश करूँगा। तो ये रहा हमारा रेजरेक्शन रिमिक्स रूम, आप इसको स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए। देख सकते हैं हमारा फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये हमारे फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर आएगा जो 7.1.1 होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा फ़ोन रूट होना ज़रूरी है, हमारे फ़ोन में TWRP रिकवरी होनी ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन का कोई बूट लोडर है तो बूट लोडर भी अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपको आपका ये सब अनलॉक नहीं है तो प्लीज़ ये प्रोसेस ना करें, क्योंकि इससे आपका फ़ोन ब्रिक हो सकता है या फिर इसका इससे आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो पहले आप रूट रूट के बारे में जान लीजिए या फिर हमारे चैनल में दिए गए कस्टम रोम के बारे में कुछ देख लीजिए वीडियो, जिससे आपको ढंग से पता चल जाए। हमारे चैनल में जाइए, सारी वीडियोज़ देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत से लेकर अभी तक हमारा क्या मतलब हम कैसे कैसे रोम फ्लैश कर सकते हैं, कस्टम रोम क्या है। हमारे चैनल में होगी कस्टम रोम, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए हमारी फ्लैशिंग की प्रोसेस स्टार्ट है। तो गाइज मैं बता दूँ, मैं जो रोम फ्लैश कर रहा हूँ वो मैं ऑफिशियल रोम फ्लैश कर रहा हूँ। आप अनऑफिशियल करेंगे तो आपके रूम में पहले से कोई ना तो कोई बग्स होंगे, इसलिए आप ऑफिशियल रूम ही फ्लैश करें। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने कस्टम रोम के बारे में जो बताया उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप देखेंगे ज़रूर, क्योंकि उसके बारे में आपको रोम के बारे में पता चलेगा अपने फ़ोन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा रोम फ्लैश हो गया, तो आप वाइप कैच एंड डेल्विक कर दीजिए, स्वाइप टू वाइप। वाइप कैच एंड डेल्विक होने के बाद आप अपने ओपन गैप्स, गैप्स का मतलब है गूगल ऐप जो आपके फ़ोन में पहले से नहीं होते जब आप रोम फ्लैश करते हैं, आपको उसे फ्लैश करना है। देखिए मैंने फ्लैश करा, गाइस ये फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ और इसको मैं रिज्यूम कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेता है ओपन गैप फ्लैश होने में। चलिए मैं पॉज कर दे रहा हूँ, चलिए रिज्यूम भी कर दिया मैंने। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे इतने सारे गूगल ऐप फ्लैश हुए हैं TWRP के ज़रिए, मैंने फुल गैप्स डाउनलोड करे थे आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओपन गैप फ्लैश हो चुका है हमारे डिवाइस में। आपको दोबारा वाइप कैच एंड डेल्विक करना है, स्वाइप टू वाइप और रिबूट सिस्टम नाउ, ये रिबूट सिस्टम कर दीजिए। और यहाँ पर अगर कुछ ऐसा पॉपअप आता है स्वाइप टू TWRP ऐप कर दीजिए। तो गाइस हमारा चलिए फ़ोन स्टार्ट हो गया है। गाइस मैं बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो अब आपको हमारे इस न्यू चैनल में मिलती रहेगी। तो गाइस आने वाले वीडियो में मैं कुछ 12th की इंग्लिश स्टडी के बारे में बताऊंगा, तो आप वो ज़रूर देखिएगा अगर आप 12th क्लास के हैं तो। गाइस ये थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगेगा इसलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। चलिए रिज्यूम मैंने वीडियो कर दिया है, हमारे सामने सेटअप आ चुका है, म्यूज़िक है, स्टॉप आ रहा है, इसकी कोई टेंशन ना ले, क्लोज ऐप कर दे, लेट्स गो करें। फिर यहाँ पे Jio 4G है, Jio 4G या फिर आपको SMS का कौन सा सिम रखना है आपकी मर्ज़ी है, कॉल के लिए कौन सा रखना है आप बस सिंपली सेटअप कंप्लीट कर लीजिए। गाइज आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं और भी चाहता हूँ कि मेरे जो मैंने जो माइक्रोमैक्स का वीडियो डाला था उसको फ्लैशिंग करने का, उसमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, उसमें किसी को कुछ डाउट था उसने क्लियर कर लिया था। अगर आपको भी इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने सेटअप कम्प्लीट कर लिया है, हमने सेटअप लगभग कम्प्लीट ही कर लिया है। गाइज़ ये रोम हमारा वोल्टी है। तो गाइज़ आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसे अपना रोम फ्लैश कर सकते हैं, मेरा Acer Zolt है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। चलिए गाइज़ आप देख सकते हैं हमारा रोम जो है स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा पिक्सल है, ये हमारे एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 है। धन्यवाद गाइज़ हमारा वीडियो देखने के लिए, बने रहे हमारे चैनल के साथ।